नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका आज की इस नई वीडियो में। जेट एयरवेज से नई जानकारी देने जा रहे हैं, वीडियो को पूरा देखिए। उसके पहले अगर आप चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आप हमारे चैनल से मिस ना कर सको। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, आप में से लगातार जो लोग हैं वो NCERT की क्या अपडेट आई है जेट एयरवेज को लेकर उसके बारे में सवाल पूछना चाह रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जो मीटिंग है वो 17 दिसंबर को होने वाली थी और आज कहीं ना कहीं 21 दिसंबर हो गई है और जो अपडेट है अभी तक निकल कर सामने नहीं आए। दोस्तों आपको एक बड़ी जानकारी जो इस वक्त हमने देखी है वो बताने जा रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि जेट एयरवेज के शेयर पिछले जो टाइम था वहाँ पर 110 रुपये पर जो प्रीवियस क्लोज था वो हुआ था, जो कि काफ़ी सब कुछ सही लग रहा था। पर यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, आज जब सुबह मार्केट खुला है तो जेट एयरवेज का शेयर कहीं ना कहीं 5 रुपये घटकर 105 रुपये 10 पैसे पर ट्रेडिंग इस वक्त कर रहे हैं। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, ये गिरावट शायद इसलिए आई हो सकती है क्योंकि अभी तक जेट एयरवेज को लेकर NCERT की तरफ से कोई भी फैसला नहीं आया है। पर उम्मीद है कि आज जो NCERT है वो उसका फैसला आ जाए, मीडिया में समझ में आ जाए चीज़ें कि क्या होने वाला है जेट एयरवेज को लेकर, तो उसके बाद हो सकता है कि शेयर मार्केट में इजाफा देखने के लिए मिले। पर फिलहाल जो अपडेट थी वो ये थी कि यहाँ पर 5 रुपये की जो घटोतरी है, 5 रुपये 50 पैसे की घटोतरी है, वो जेट एयरवेज के शेयर में 21 दिसंबर को देखने के लिए मिली है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे जेट एयरवेज को लेकर क्या बड़ी अपडेट सामने निकल कर आती है। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी हम आपको बिल्कुल अपडेट करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं इंडियन गुरु, मैं हूं आपका दोस्त नायक। मैं तब नेक्स्ट वाली जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।